अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। ये आप खुश हैं, ठीक है, मज़े में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी सब बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी, आज मैं डिनर में क्या बना रही हूँ, और आज मैं जो डिनर में चीज़ बना रही हूँ ना, जब आपका दिल कुछ भी ना करे बनाने को, कि कुछ भी दिल नहीं कर आज बनाने को, तब मैं ये बनाती हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने चिकन, देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है, ये लेग पीस ले लिए हैं मैंने सारे। तो चिकन जब मैं ले आती हूँ, उसमें हाफ प्याली योगर्ट ऐड करती हूँ, और 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला के ऐड करती हूँ, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के इसको मैरिनेट करके फ्रीज कर लेती हूँ। और जब आपका दिल ना चाहे कुछ भी बनाने को, दिल नहीं कर रहा, तो बस ये उठा के मैं देगची में हल्की आंच पे रख देती हूँ, और ये खुद ब खुद ही बन जाता है। तो जी, चिकन को मैंने हल्की आंच पे चढ़ा दिया है, और यहाँ पे मैं बैठी हूँ मूवी देखने के लिए। तो ये जी IVN न्यू मूवी को, ये है शैतान हॉरर मूवी है। हॉरर जो है मैं ज़्यादा नहीं देखती मूवीज़, तो एडवेंचर वाली हो वो देख लेती हूँ, लेकिन हॉरर जो है ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती। एडवेंचर वाली मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर कल मैंने जो है वो, कल से मैं एक मूवी देख रही हूँ गॉडज़िला वाली, तो हाफ मैंने कल देखी थी, और यहाँ पे जो है कुछ बनाने को मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने चिकन को हल्की आंच पे रख दिया, और अब मैं वो मूवी लगा रही हूँ। ताकि मैं यहीं पे किचन में मेरा टीवी लगा हुआ है, तो ये रहा, ये है जी गॉडज़िला। तो ये वाली जो मूवी है, ये मैंने हाफ कल देखी थी, और हाफ मैं अभी देखूँगी। और साथ में मेरी वॉइस को इग्नोर कर दीजिएगा आप, क्योंकि मेरा जो गला है वो बड़ा ख़राब हुआ हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो मेरा चिकन बन रहा है, और इस मूवी को अभी मैं बैठ के इन्जॉय करूँगी। बच्चों को बैठे हुए, बच्चे रूम में बैठे हुए आईपैड देख रहे हैं, और सुकैना कभी मेरे साथ होती है रूम में, और कभी किचन में, तो सुकैना मेरे साथ साथ होती है। तो यहाँ पे मैंने नान मंगवा लिए थे, साथ में मैंने कहा था कि नान जो है वो इसके साथ खाएंगे। और ये केक बनाया था मैंने बच्चों के लिए शाम को, तो बड़ा ही अच्छा केक बना था, बहुत राइज हुआ है। तो शाम को, आज मैंने शाम को चाय के साथ हम लोगों ने ये केक खाया है, और वहाँ पे जो है मेरा चिकन पक रहा है, और यहाँ पे मैं अपनी जो है वो मूवी भी साथ में इंजॉय कर रही हूँ। और बाहर जो है वो बहुत ही अच्छा मौसम है, और आवाज़ सुन के जो है वो सुकैना भी आ गई है कि मम्मा क्या हो रहा है बाहर। बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, बिजली जो है चमक रही है, और अभी मुझे लगता है थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। तो ये बाहर का व्यू है, और सामने ये जो है प्लेग्राउंड्स है, यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। एक जो है, दो हैं यहाँ पे, इसके साथ जो एक है उसकी लाइट्स ऑफ है, उस पर आजकल जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम चल रहा है उस पर, और कुछ ही दिनों में वो बन जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं, और अभी जो है वो अभी खाली पड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पे बारिश होने वाली है, बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही थी, अभी आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन वीडियो में नहीं आई, लेकिन अभी थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाएगी। हवा बहुत ठंडी चल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है।
तो जी जब भी मेरा दिल चाहता है ना कि मैं बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता है, कभी कभार ज़ाहिर है डेली हम लोग खाना बनाते रहते हैं, हाउस वाइफ का यही काम होता है डेली, उसने कुछ ना कुछ बनाना है बच्चों के लिए, और कभी कभार फिर दिल नहीं करता कुछ खाने को और कुछ बनाने को, या कोई ऐसी चीज़ हो, या बाहर से ऑर्डर करने को भी दिल नहीं करता, तो फिर मैं ये बना लेती हूँ, मैं फ्रीज़र में इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ, लेग पीसेस को भी और चिकन ब्रेस्ट पीस जो होता है उसके भी क्यूब्स कट करके उसको भी मैं इसी तरह से मैरिनेट करके रख देती हूँ, फिर वो मेरे इस तरह से काम आता है जैसे मैंने पिज़्ज़ा बनाना है, तो फिर मैं निकाल के उसको जो है वो हल्की आंच पे रख देती हूँ, मेरे अच्छा सा जो है ना टिक्का बूटी तैयार हो जाती है, वो फिर मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए उसको लगाती हूँ। तो ये बहुत ही इजी वे है, जब भी आपका दिल ना करे कुछ बनाने को तो आप इसी तरह से फ्रीज़र में इसको मैरिनेट करके रख दिया करें, और साथ में पराठे बना लें तो उसके अंदर हम इसको चिकन को डाल दें तो चिकन पराठा रोल बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने नान मंगवा लिए थे, यहाँ पे मेरा रोटी बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था तो साथ में मैंने नान मंगवा लिए थे, तो नान के साथ सैलेड कट करेंगे, रायता होगा उसके साथ, बहुत मज़ेदार लगते हैं और बच्चे भी इसको खूब इंजॉय करते हैं, मेरे बच्चे तो वैसे भी इसको खा लेते हैं, तो बहुत ही ईजी हो जाता है मेरे लिए। तो उस तरह से मैं जो है ना इसको ना मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये वाला सीन बड़ा अच्छा था, गॉडज़िला, हमने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं गॉडज़िला की, और ये बड़े से डायनासोर्स होती हैं, कोई मॉन्स्टर टाइप सा होता है ये, तो बहुत ही अच्छी मूवी है। और जो है हाफ मैंने कल देखी थी, अभी बस थोड़े से इसके लास्ट सीन बाकी रह गए हैं, वो अभी मैं देख के इसको कम्प्लीट कर लूँगी। तो बस इसके लास्ट सीन है ये देख के, उसके बाद मेरा चिकन भी बन गया है, तो उसके साथ साथ मैंने इसकी आँच भी अभी बंद कर दी है, और यहाँ पे मेरी मूवी जो है वो भी एंड होने वाली है, बस इसके लास्ट सीन चल रहे हैं, और ये अभी गॉडज़िला को जो है वो किल कर देंगे यहाँ पे, ये सारा अच्छा सा लास्ट का जो सीन होता है ना वो ज़्यादा एडवेंचर वाला होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, और यहाँ पे सारा सस्पेंस जो है वो मूवी का ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है वो चिकन मेरा जो है तैयार हो गया था, मैंने उसकी आँच बंद कर ली है, और मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने जो है वो 12 लेग पीस लिए हैं, उसके अंदर हाफ प्याली योगर्ट की डाली है, 2 बड़े जो है ना टेबल स्पून तिक्का मसाला के ऐड किए हैं, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाल दिया था साथ में। तो यहाँ पे जी देखें बिल्कुल इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, मैंने इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं किया था, हल्की आंच पे 15 मिनट मैंने इसको एक साइड से पकाया, फिर मैंने इसको टर्न करके 15 मिनट मैंने इसको दूसरी साइड से पकाया, तो वहाँ पे इसका पानी खुद ब खुद ही ड्राई हो जाता है, और मैंने 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया था इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं बच्चों को बस खाना सर्व कर रही हूँ, साथ में मैंने सैलेड कट कर लिया है, और बच्चों को भी भूख लग गई थी, यहाँ पे जो है ना बस सैलेड भी मैंने कट कर लिया, और अभी जो है हम डिनर करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना ये चिकन ड्रम स्टिक्स कह लें आप, चिकन ड्रम स्टिक्स भी इसी तरह से ही होती हैं, और इसके ऊपर जो है ना वो कोट वगैरह कर लेते हैं कुछ लोग जो है, मैंने इसको इस तरह से सिंपल बनाया है, सो कहना जो है वो उसी तरह से इसको पकड़ के आइसक्रीम की तरह, तो वो उसको इस तरह से भी खाती है, और ये एक बाइट ली है मैंने साथ में, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट सा चिकन होता है और जूसी होता है, इसकी जो बहुत ख़ास बात यह है कि सॉफ्ट होता है और बहुत ही जूसी होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिनर कह रहे हैं, बच्चों को भी मैंने खाना दे दिया, बच्चे भी जो हैं वो बहुत शौक़ से ये जो है ना खाना खा लेते हैं, और फिर मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि चलो बच्चों ने भी खा लिया है, और ज़्यादा कोई मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और अब जी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का, यहाँ पे जो है वो गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग करने थे इस व्लॉग में आज मैंने, क्योंकि पहले वाला व्लॉग ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका था, तो ये जो है वो अल्ताफ दुबई गए थे और सुकैना की बर्थडे भी थी, तो तीनों के लिए, अमारो, शाइजा और सुकैना के लिए, तीनों के लिए वो गिफ्ट्स लेके आए हैं, चॉकलेट्स लेके आए हैं, तो ये आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी, और ये जो सारे इसकी बर्थडे की टॉयज़ हैं वो आज जो है ना तीनों जो हैं आपको दिखाएंगी, तो ये सारे बच्चों के टॉयज़ हैं जो अल्ताफ लेके आए थे, और इसको आके चल के फिर सब ओपन करते हैं। पापा पिक फैमिली है पूरी ये इसमें। ओके पापा पिक खोल के दिखाओ मारुश। हाँ इसे निकालो इसे। वाह ये किसकी? तो क्या है ना ये देखो आपके पापा पिक, इनके नाम बताओ मुझे कौन कौन है ये? ये कौन है? जॉर्ज। एंड ये मम्मी पिक और पेपा पिग, डैडी पिग है। आपको सबके नाम आते हैं? आपको सबके नाम आते हैं आपको तो? और ये क्या है? ये भी छोटी छोटी चीजें हैं चिकना की।
कैमल, कैमल का बेबी है छोटा सा। देखो हॉर्स, हॉर्स तो मारोश का है ना, अरे लग रहा है ग्लिटरी सा है। नहीं नहीं उसका नाम क्या है? ये लो। हाँ इसका नाम क्या है? और ये माइक किसका है? माइक ऐसा माइक निकालो इसमें से। चलता खेलती है ना ये डॉल चलाओ। ओके ठीक है ठीक है। ये किसका है? ये आयजा का है। और ये किसका? ये मारुष का है। ब्रेसलेट सेट्स हैं ये। इसमें से क्या बनाओगी मारुष? आप ब्रेसलेट बनाओगी? और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मेरी जो ड्रम स्टिक्स की रेसिपी थी, मेरी अपनी रेसिपी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बड़ी ही ईजी रेसिपी थी और साथ में बच्चों ने अपने जो हैं वो गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग किए और साथ में उनके ये सारे चॉकलेट्स हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें। इस तरह आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।